10 नवंबर 1659 का वो ऐतिहासिक दिन जहाँ प्रतापगढ़ के किले में छावनी लगी हुई थी, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान मिलने वाले थे, जहाँ दोनों के बीच तय हुआ था कि दोनों ओर से 4-4 लोग आने वाले हैं और दोनों ही जो है निशस्त्र और निहार बिना हथियार के मिलने वाले हैं। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर से गोपीनाथ पंत, जीवाजी माले और शंभूजी कावजी और छत्रपति स्वयं होने वाले थे, और वहीं अफजल खान की तरफ से कृष्णाजी भास्कर, सैयद बंडा और अफजल खान स्वयं होने वाला था। क्योंकि तब अफजल खान छावनी की ओर पहुंचता है, तब वहां गोपीनाथ पंत जी पहले से मौजूद होते हैं। तब अफजल खान अपने 1000 सैनिक के साथ छावनी पर पहुंचता है। तब गोपीनाथ पंत जी कहते हैं कि अगर आप 1000 सैनिकों को लेकर छावनी में आएंगे तो कि शिवाजी महाराज तो जो है आपके आपसे भयभीत हो जाएंगे और वो छावनी में आएंगे नहीं। समझने योग्य बात है कि किस तरह से चालाकी से जो है गोपीनाथ पंत जी के द्वारा अफजल खान को बहला लिया गया और अफजल खान ने अपने 1000 सैनिकों को नीचे घाटी में भेज दिया, जहां अफजल खान पहले छावनी में प्रवेश करता है और वो पहले से मौजूद होता है। उसके बाद छत्रपति को जब संदेश भेजा जाता है कि आप आइए, अफजल खान पहुंच चुके हैं, तब यहां तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत पहले से पता था कि अफजल खान कितना कायर है, कितना क्रूर है, क्योंकि इसी कारण से जो छत्रपति पहले से तैयारी करके जाने वाले होते हैं। तब छत्रपति जब संदेश आता है कि अफजल खान पहुंच चुके हैं, तब छत्रपति जो है सबसे पहले मातोश्री जीजाबाई का चरण स्पर्श करने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और अपने मंत्रिमंडल से कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो गई, अगर मैं जीवित न लौट सका तो मेरे पुत्र को जो है राजा बना के माता जीजाबाई के निर्देशन में राज्य का संचालन किया जाना चाहिए। तो आप उस समय की परिस्थिति को सोच के देखें, उन सब के भावना को सोच के देखिए कि कैसे छत्रपति जो है अफजल खान की कायरता क्रूरता को जानते हुए भी उससे मिलने जा रहे थे। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को पहले से अंदेशा था कि अफजल खान कितनी कायरता से पहले भी लोगों को मार चुका है, कैसे कायरता से बंदी बना चुका है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है अफजल खान की कायरता से भली भांति परिचित थे, इसी कारण से वो जो है अपने पगड़ी के अंदर लोहे का कवच धारण करते हैं और वही लोहे का बख्तर बंद पहन के अपने कलाइयों के बीच एक कटार छुपा लेते हैं, और वही वाघ नख, जैसे सिंह नख के नाम से भी जानते हैं, उसको भी जो है अंगूठी के रूप में वो धारण कर लेते हैं। तब छत्रपति शिवाजी महाराज छावनी के पास पहुंचते हैं, तब वो छावनी के अंदर प्रवेश करते हैं। ऐसे देखने से अफजल खान के पास एक तलवार नज़र आ रही थी, और वही छत्रपति को अगर सामने से देखा जाए तो उनके पास कोई हथियार नहीं नज़र आ रहा था। तब छावनी के अंदर प्रवेश करते ही छत्रपति को नज़र सैयद बंडा पर पड़ती है। तब छत्रपति अफजल खान से कहते हैं कि हाँ, बात हम दोनों के बीच मिलने की हुई थी तो इसको क्यों रखा गया है। तब अफजल खान जो इशारा करके सैयद बंडा को बाहर भेज देते हैं। तब अफजल खान जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को देख के कृष्णा जी भास्कर से पूछता है कि ये शिवा है। तब कृष्णा जी भास्कर जवाब देते हैं कि हाँ हाँ, यही शिवा है। तब छत्रपति शिवाजी महाराज आगे बढ़कर अफजल खान को सलाम करता है। तब अफजल खान गुस्सा में आकर छत्रपति शिवाजी महाराज से कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात कैसे हुई कि मेरे क्षेत्र में तुम लूटपाट कर रहे हो। तब छत्रपति शिवाजी महाराज जवाब देते हैं कि आपको तो मुझे पुरस्कार देना चाहिए कि मैंने जो है इस क्षेत्र को जो है लुटेरों से विहीन कर दिया है, यहाँ जो है लोग शांति से रह सकते हैं। इसके पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज को अफजल खान से माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है। तब छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्कुल ही चालाकी से कहते हैं कि आप और मेरा कद तो बराबर है, हम दोनों ही सेवक हैं, तो मैं आपसे क्षमा कैसे मांग सकता हूँ। उसके पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े चालाकी से यह भी कहते हैं कि आपका बात टाला भी तो नहीं जा सकता। उसके पश्चात जो है अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को आगे बुलाता है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान एक दूसरे के गले लगने के लिए करीब आते हैं, तब अफजल खान जो है गले लगने के बहाने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपने बाएँ हाथ से उनका सिर दबोच लेते हैं और उनके पीठ पर खंजर से वार करते हैं। तब छत्रपति तो पहले से तैयार से लोहे का कवच पहन के गए थे। तब छत्रपति शिवाजी महाराज अपना वाघ नख निकालते हैं और उसी से अफजल खान का पेट फाड़ डालते हैं और अपने कलाई से जो है एक कटार निकालते हैं और उसको भी अफजल खान के पेट में गाड़ा देते हैं। और ये तो बच्चा बच्चा बता देगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे उस दैत्याकार अफजल खान को चीर के रख दिया था। तब अफजल खान जमीन पर पड़ के चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ। तब सैयद बंडा आता है और छत्रपति शिवाजी महाराज के सिर पर 3-4 वार करता है, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो लोहे का कवच पहना होता है वो भी टूट जाता है। उसके पश्चात जब जीवाजी महाले आते हैं, तब एक ही क्षण में सैयद बंडा का वो हाथ काट देते हैं और तरवाल सहित वो हाथ जमीन पर पड़ा होता है, और दूसरे क्षण ही सैयद बंडा का सर भी धड़ से अलग कर दिया जाता है, वो भी जमीन पर पड़ा होता है। उसके पश्चात अफजल खान को पालकी में बिठा कर ले जाया जा रहा होता है, तब शंभू जी कावजी जाते हैं और उस अफजल खान का सिर धड़ से अलग करके ले आते हैं। फिर तोप के द्वारा मराठी सैनिक को एक सिग्नल भेजा जाता है, जिसके कारण वो समझ जाते हैं और घाटी के नीचे अफजल खान की जितने भी सेना होते उन्हें गाजर मूली की तरह काट डाला जाता है। तब अफजल खान की ओर से अफजल खान और सैयद बंडा की मृत्यु हो चुकी थी। तब कृष्णा जी भास्कर को छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं आप ब्राह्मण हैं, हम आप पे हमला नहीं करेंगे, आपको नहीं मारेंगे, आप जा सकते हैं। तब कृष्णा जी भास्कर छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार लेकर कई बार हमला करते हैं। तब कई बार समझाने के बाद जब नहीं मानते, छत्रपति शिवाजी महाराज कृष्णा जी भास्कर को भी तलवार मार कर उनकी हत्या कर देते हैं। क्योंकि जो धर्म के साथ नहीं देता है वो कोई भी जात का वो कभी नहीं बच सकता। जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र रावण का वध किया था, जहाँ रावण तो बहुत विद्वान पंडित था, वही श्री रामचंद्र क्षत्रिय थे।
तो इस प्रकार से 10 नवंबर 1659 का वो ऐतिहासिक दिन प्रतापगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस अफजल खान को चीर कर रख दिया था। और अफजल खान को मारने के लिए तो केवल एक ही वजह काफ़ी थी, जब उसने माता तुलजा भवानी का मंदिर को ध्वस्त किया था और कई सारे मंदिरों को तोड़ा था और गरीब जनता पर उसने दुराचार और अत्याचार किया था। और कई इतिहासकार आज भी कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे धोखे से अफजल खान को मार दिया, लेकिन आप ऐतिहासिक स्रोत जाके पढ़ के देखिए, आपको एक एक कण जो है आपको पता चल जाएगा कि किसने कहाँ धोखा दिया था। तो ये तो था वीडियो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे प्रतापगढ़ के युद्ध में अफजल खान को चीर कर रख दिया था। तो आपको इसके बारे में क्या पता था, क्या आप जानते थे, कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी।